बसमिल फ़ेथ ब्रदर्स इज़ द बिज़नेस और uh, सवाल का जो पहला इम्प्रेशन है वो ये है कि ये बिज़नेस इनकम के बारे में कुछ मालूम दी हुई हैं और uh, जो बिज़नेस है दैट इज़ मैनुफेक्चरिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपको साल 2024 का डाटा प्रोवाइड किया गया है एडिशनल इन्फॉमेशन में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिनको हम बारी बारी देखेंगे सवाल की रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो इट रिक्वायर्स अस टू वर्क आउट इनकम टैक्सेबल टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम uh, टैक्स को इग्नोर करने का कहा है और बी पार्ट में इन्होंने कहा कि आपके जो अनयूटिलाइज लॉसेस हैं और कब तक वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं ये भी आपको बताने हैं सो दे आर टू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन सो वील फोकस ऑन आर फर्स्ट पार्ट सो जो सवाल uh, की रिक्वायरमेंट में उन्होंने ये नहीं कहा हुआ जैसे आमतौर पर बिज़नेस के सवाल में वो कहते हैं कि जी आप प्रॉफिट की फ़िगर से स्टार्ट करें सो so ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट में नहीं है लेकिन कन्वेंशनली uh, हम ऐसा ही करते हैं हम नेट प्रॉफिट से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सो नेट प्रॉफिट विल बी आर फर्स्ट नंबर एंड दीज फिगर्स आर रुपीज़ इन मिलियन सो हम अपना सवाल मिलियन रुपीज़ में सॉल्व कर रहे होंगे ओके जी सो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन uh, तो मैंने लिख लिया है नेम रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्स ईयर और हेड्स ऑफ इनकम और बिजनेस इनकम का मैंने एक वर्किंग बना लिया है बिज़नेस इनकम में जो पहला फिगर आएगा नेट प्रॉफ़िट का

is not allowed as expense or 188 million will be added back straight away hum tax ki apni depreciation banayenge usko minus karenge cash payment of rupees 1 million for purchasing the 10 air tickets ab aapne yahan pe jo apparently लगता है कि गलती की है कि cash payment की है आपने और 1 million 10 लाख रुपए की तो हम जरा law की provision अगर देख कि क्या है क्या कैश पेमेंट अलाउड है या नहीं सो so, बिज़नेस के हेड ऑफ़ इनकम में सेक्शन ट्वेंटी वन हमने पढ़ा है और सेक्शन ट्वेंटी वन डिडक्शन नॉट अलाउड को डील करता है और इसमें हमने पढ़ा था कि आप ढाई लाख से ज़्यादा अगर एक हेड ऑफ़ अकाउंट में ख़र्चा है तो आप उसको बैंकिंग चैनल से पे करें लेकिन अबव इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फॉलोइंग इसमें एक्सेप्शन जो हैं उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आप ट्रैवल फेयर जो है इसको पे कर सकते हैं कैश में तो चूंकि ये एक्सेप्शन में आता है आप ये कैश पेमेंट कर सकते हैं ये वाली तो ये ट्रैवल फेयर एयर टिकट्स का जो है इसमें कोई वायलेशन नहीं है सो दिस वन इज़ वेरी मच ओके और हमें इसके लिए कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी सो आई राइट हेयर ट्रैवल फेयर या टिकट्स एयर टिकट्स लिख लें इसको और इसकी कोई एडजस्टमेंट हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ पेमेंट ऑफ फोर मिलियन टू शिपिंग लाइन ऑन अकाउंट ऑफ डैमरेज़स फॉर कंटेनर्स ब्लॉकड एट पोर्ट नाओ डैमरेज बेसिकली होता क्या है डैमरेज जिस वक्त आपका सामान इम्पोर्ट आप करते हो तो वो कंटेनर कस्टम्स वाले अपने वेयर हाउस में रख लेते हैं और उस वेयर हाउस से आप उसका एक टाइम पीरियड है कस्टम्स एक्ट में लिखा हुआ उस दौरान में आपने उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके कस्टम ड्यूटीज़ पे करके वो क्लियर कराना होता है और अगर आप वो क्लियरेंस में डिले कर दें तो आपको उस वेयर हाउस का एक सॉर्ट ऑफ रेंट पे करना पड़ता है जिसको डैमरेज बोलते हैं सो so ये डैमरेज कोई पेनल्टी नहीं होता दिस इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ़ लॉ ये बस एक जैसे लेट पेमेंट अगर आपने बिजली के बिल की की है तो उस पर कुछ एडिशनल पैसे देने पड़ते हैं तो ये उस तरह का एक आपको एडिशनल ख़र्चा पड़ जाता है सो फोर मिलियन देखने में लगता ये है कि ये कोई पेनल्टी है लेकिन पेनल्टी वहाँ पे एक्सपेंस नहीं बन सकती जहाँ पे पेनल्टी वायलेशन ऑफ लॉ की वजह से हुई हो तो so, यहाँ पे वायलेशन ऑफ लॉ तो कोई नहीं है uh, इसलिए दिस डैमरेज विल बी अलाउड एज एक्सपेंस सो हमारे पास uh, जो हम एडजस्टमेंट्स बता रहे हैं इसमें डैमरेज uh, स्पेलिंग में गलती हो सकती है सो so, इसकी मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा नेक्स्ट आइटम इज़ मोर ओवर पेनल्टीज ऑफ रुपीज़ नाइन मिलियन वर आल्सो पेड to various clients on delaying their orders because of closure of production uh, production plant for two weeks during the year. so अगर client को कोई penalty pay पे की है, again ये mutual agreement की बात है. penalty की एक बहुत बड़ी निशानी ही होती है अगर violation of law की वजह से हो, तो वो कोई law enforcement इधारा आपको आ, लगा रहा होता है, जैसे F B I लगा रहा होगा, S C P लगा रहा होगा या ए, कोई और law enforcement कई इधारा होगा. तो अगर क्लाइंट से आपने कोई माहा की ख़िलाफ़ वर्जी की और उस पर उसके उसने कोई जुर्माना कर दिया तो दिस इज़ नॉट वायलेशन ऑफ लॉ तो अगेन पेनल्टी में जो पेनल्टी की वजह से जो एक्सपेंस आप माइनस नहीं कर सकते वो उसी सूरत में होता है जब आप कोई वायलेशन ऑफ़ लॉ करें तो so, ये वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है या आप दोनों पार्टीज़ ने ही एग्री किया था कि अगर ये खिलाफ वर्जी होगी तो इतने पैसे देने पड़ेंगे सो ये जो पेनल्टीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं पेनल्टीज़ इसकी हमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ये बिल्कुल बिज़नेस का एक नॉर्मल एक्सपेंस है नेक्स्ट इज़ पेमेंट ऑफ 50 मिलियन टू अ बिल्डर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ़ बिल्डिंग द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस एट ईयर एंड सो 50 मिलियन को आपने एक्सपेंसेस में शामिल कर दिया है और ये 50 मिलियन किस लिए है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए तो ये तो एक्चुअली बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा ना ये 50 मिलियन ये एक्सपेंस तो नहीं बन सकता किसी सूरत की तो इसलिए इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है हमें एंड वी विल राइट हेयर कि हमने जो बिल्डिंग की जो पेमेंट की है बिल्डिंग टू कॉन्ट्रैक्टर जो हमने पेमेंट की ये एक्सपेंस के तौर पे हमें अलाउड नहीं होगी सो फिफ्टी मिलियन विल बी एडिड बैक नौ सवाल ये है कि क्या मैं इसके ऊपर डेप्रीसीन बनाऊंगा तो मैं एक और वर्किंग में इसको क्लैरिफाई कर लेता हूँ वर्किंग टू मैं बना लेता हूँ एंड दिस इज़ फॉर डेप्रीसीन ठीक है सो हम एग्ज़ामिनर को क्लियरली ये बताएँगे कि जनाब जो बिल्डिंग है बिल्डिंग दिस इज़ अंडर

नौ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बिल्कुल टैक्स लॉ इसको एक्सपेंस मानता है लेकिन टैक्स लॉ की एक छोटी सी फरमाइश भी है वो क्या है वो ये है कि अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर किया है तो साइंटिफिक रिसर्च किसको बोलते हैं ये टैक्स लॉ ने डिफ़ाइन किया है और वो इन्होंने कहा कि दिस शुड बी एन एक्टिविटी इन पाकिस्तान सो टैक्स लॉ की फरमाइश ये है कि हम साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर उसको मानेंगे जब वो एक्टिविटी आप पाकिस्तान में करें रिसर्च एक्टिविटी तो फिर तो ठीक है अब यहाँ पे तो क्लियरली इन्होंने बता दिया है कि आपने रिसर्च इंस्टीट्यूट यू का है और उसको पेमेंट की है तो ये फ़ाइव मिलियन का जो रिसर्च एक्सपेंडिचर है ये आपको इस वजह से एक्सपेंस के तौर पर अलाउड नहीं होगा तो इसलिए आपकी जो बिज़नेस इनकम की वर्किंग है उसमें आप ये लिखें रिसर्च आउटसाइड पाकिस्तान और ये आपको एक्सपेंस अलाउड नहीं है सो फाइव मिलियन विल बी एडिड बैक

एफ बीज एसोसिएटेड कंपनी इन कतर दिस लाइबिलिटी अरोज ऑन फर्स्ट जनवरी दो हज़ार तेईस फ्राम इम्पोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड प्लान्ट कॉस्ट ऑफ चार लाख क्यू ए आर एज़ पर द एग्रीमेंट द पेमेंट वुड भी मेड ऑन फर्स्ट जनवरी दो हज़ार पच्चीस रेलिवेंट एक्सचेंज रेट्स आर एज फॉलो तो ये कुछ एक्सचेंज रेट्स दिए हुए हैं so, तो पहले तो हम जरा इसकी लॉ uh, में जो प्रोविज़न है वो समझ लेते हैं रेलिवेंट प्रोविजन कौन सी है सो so, बिजनेस के एड ऑफ इनकम में हमने एक एसेट एक्विजिशन एंड कॉस्ट इसमें एक चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पड़ा था कि अगर आपको कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस हो जाए ठीक है जी? और वो लॉस किस वजह से हो कि आपने कोई लोन लिया हुआ है एसेट को एक्वायर करने के लिए और फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो ज़्यादा हो गया उसकी वजह से आपको जैसी बात है ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी तो वो जो लॉस है वो किधर एडजस्ट होगा ये पहला सेंटेंस पढ़ें क्या लिखा है फॉरेन एक्सचेंज गेस गेन और लॉस टू बी एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट तो टैक्स लॉ ये कहता है कि जो भी ऐसा गेन या लॉस है जिसका ताल्लुक़ किसी एसेट से है तो उस गेन और लॉस को एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट करो अब यहाँ पे हमने क्या किया है हमने किया यह है कि फॉरेन एक्सचेंज लॉस जो है वो एक्सपेंसेस इंक्लूड लिखा है इसका मतलब यहाँ पे हमने एक्सपेंस बना दिया हुआ है तो इस फॉरेन एक्सचेंज लॉस को तो एक्चुअली होना चाहिए है कहाँ जाना चाहिए आपके उसमें एसेट की कॉस्ट में जाना चाहिए ठीक है तो इसलिए मैं पहला काम तो ये करूँगा कि मैं बिज़नेस इनकम में से इस फॉरेक्स फॉरेक्स लॉस ठीक है फिफ्टीन पॉइंट एट मिलियन इसको मैं बैक कर देता हूँ क्योंकि ये तो यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं है अब अगली बात ये कि उस एसेट के साथ क्या सलूक करेंगे सो so, ये जो एसेट है ये इन्होंने बताया है कि सेकेंड हैंड प्लांट है सो so, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी सेकेंड हैंड प्लांट सो ये जो सेकेंड हैंड प्लांट है इसकी इन्होंने आपको कॉस्ट बता दी है कॉस्ट कितनी है जी चार लाख लेकिन ये चार लाख क्या है वो कतर की करेंसी है ठीक है जी और ये आपने किस वक्त खरीदा था फर्स्ट जनवरी 2023 को तो इसका मतलब उस वक्त कब एक्सचेंज रेट लेंगे पैंतालीस रुपये तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 45 से तो ये उस एसेट की कॉस्ट आ जाती है एंड इट इज़ 18 मिलियन सो so 18 मिलियन इसकी कॉस्ट हो गई अब ये ट्रांजैक्शन हुई किस डेट को है ज़रा इसकी डेट के ऊपर गौर करें ये है फ़र्स्ट जनवरी 2023। इसका मतलब ये बनता है टैक्स ईयर 2023। तो टैक्स ईयर दो में ये आपने एसेट लिया था राइट लेकिन अभी हम जो कैलकुलेशन बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं टैक्स ईयर 2024 की तो टैक्स ईयर 2024 में इस एसेट के साथ क्या होगा राइट वो भी हमें पता होना चाहिए हमने उसकी डेप्रसीशन वगैरह वर्कआउट करनी होगी तो हम इसके लिए आ, इसके फर्स्ट ईयर की भी कैलकुलेशन बनाएंगे और सेकंड ईयर की भी डेप्रसीशन की कैलकुलेशन बनाएंगे ताकि सेकंड ईयर की डेप्रसीेशन को फिर हम एक्सपेंस बना सकें ठीक है जी सो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये एसेट आपने रिकॉर्ड कर लिया अपने पास और इसमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ है क्योंकि 30 जून 2023 को सॉरी गेन हुआ है 30 जून 2023 को चालीस रुपये का हो गया 45 का था और 40 का हो गया तो साल जब ख़त्म हुआ फर्स्ट ईयर तो आपको फॉरेन एक्सचेंज गेन हो गया ठीक है जी और वो फॉरेन एक्सचेंज गेन को किधर एडजस्ट करूँगा अभी हमने प्रोविज़न पढ़ी है लॉ की कि फ़ोर गेन विल बी एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट सो चार लाख इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाँच रुपये का गेन है कैसे बना पैंतालीस मन फी चालीस करके सोइ बेन आई वर्क दिस आउट दिस इज़ टू मिलियन सो टू मिलियन विल बी एडिड और डिडक्टेड और अगर फॉरन एक्सचेंज गेन है तो इसका फ़ायदा हुआ है तो इसकी वजह से कॉस्ट में रिडक्शन हो जाएगी और अगर लॉस होगा तो ज़ाहिर है कॉस्ट बढ़ेगी तो ये अब सिक्सटीन मिलियन का रह जाएगा एसेट अब हमने इसके ऊपर डेपजिशन बनानी है डेपोजिशन बनाने के लिए हमेशा आप सबसे पहले ही देखते हैं कि क्या एसेट एलिजिबल डेपसीबल एसेट है या नहीं तो उसके लिए हमने एसड की जो डेफिनेशन है वहाँ पे पढ़ा था कि एलिजिबल डेपसीबल एसिड क्या होते हैं इसकी एक्सक्लूजन में डेफिनेशन डिफाइन हुई भी है और प्लांट एंड मशीनरी जो कि प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान हो वो एक्सक्लूडेड है लेकिन ये सेकेंड हैंड प्लांट है जो आपने इम्पोर्ट किया है तो इसका मतलब प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान नहीं है अगर नहीं है तो इसका मतलब एक्सक्लूजन में नहीं है इसका मतलब ये एलिजिबल डेप्रिसबल एसड है और मुझे इसके ऊपर इनिशियल लाउंस वर्कआउट करना होगा इनिशियल लाउंस वर्कआउट होता है एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है सो ये ट्वेंटी फाइव परसेंट का रेट आपको इनिशियल अलाउंस का ये हमने बिल्कुल थर्ड स्केज में दिया हुआ होता है एग्जामिनर भी ये बताता है ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको पेपर के लास्ट पेज के ऊपर दिया हुआ होता है ये रेट सो क्लियर हो गया इस ट्वेंटी फाइव परसेंट से हम इसका इनिशियल अलाउंस वर्कआउट करेंगे एंड दैट विल बी सिक्सटीन मिलियन का आप ट्वेंटी फाइव परसेंट बनाओगे तो इट विल बी फोर मिलियन इसको आप माइनस करोगे यहाँ से तो so, जब आप माइनस कर देंगे तो दिस विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ 12 मिलियन ठीक है अब इसके आप ऊपर आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनाएं नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो एट द रेट ऑफ़ 15 परसेंट होगी और 12 मिलियन का आप 15 परसेंट बनाएंगे तो इट विल बी 1.8 मिलियन सो 1.8 मिलियन माइनस करेंगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी एंड दिस विल बी टेन मिलियन ठीक है सो दिस इज़ द रिटर्न डाउन वैल्यू सो so, ये रिटर्न डाउन वैल्यू आपने वर्कआउट कर लीजिए अब अगली फिगर जो आपको चाहिए है दैट uh, इज़ के टैक्स ईयर 2024 में क्या होगा सो टैक्स ईयर 2024 में अगेन देखें सवाल में ये बता रहे हैं आपको कि पेमेंट तो होनी है कहीं जाके फस्ट जनवरी 2025 में ठीक है पेमेंट वुड बी मेड ऑन फर्स्ट जनवरी इसका मतलब ये कि ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग ही रहेगी मेरे टैक्स ईयर में भी जब मेरा टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है दो तो फिर ये सेवेंटी नाइन का हो गया ये जो ए, कतर की जो करेंसी है तो इसको अलग महंगी हो गई फ़ॉन एक्सचेंज लॉस हुआ तो मैं पहले लॉस की एडजस्टमेंट बनाता हूँ फॉरेन एक्सचेंज लॉस सो फॉरेन एक्सचेंज लॉस और ये कितना होगा चार लाख इज़ द वैल्यू एक दो तीन चार पाँच सिफर और मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम इसको किस पे ले गए थे चालीस तक पहुँच गया था तो चालीस और सेवेंटी uh, नाइन पॉइंट uh, फाइव का हम फर्क लेंगे 40 माइनस सेवेंटी नाइन पॉइंट फाइव ठीक है सो ये जो लॉस बना ये फिफ्टीन पॉइंट एट मिलियन बनता है और जो लॉस है वो डेफिनेटली ऐड होगा इसकी कॉस्ट के अंदर तो अब कॉस्ट कितनी बन जाएगी जब हम ऐड करेंगे तो इट विल बी ट्वेंटी सिक्स मिलियन अब हम इसके ऊपर नॉर्मल डेपोजिशन बनाएंगे एंड दैट विल बी एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट सो फिफ्टीन परसेंट अब ट्वेंटी सिक्स मिलियन का बनाएंगे तो इट विल बी थ्री पॉइंट नाइन मिलियन राइट और यहाँ से आपके पास रिटर्न नॉन वैल्यू आ गई ट्वेंटी टू पॉइंट वन ज़ीरो ओके जी सो ये एडजस्टमेंट हमने फड़का दी है आगे चलते हैं अदर इनकम कम्प्राइजेज ऑफ अदर इनकम है कहीं प्रॉफिट में ऐड हुई हुई जी बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि अदर के क्या वो अमाउंट ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड हुई भी? हुई भी है जी अदर इनकम ऐड हुई हुई है इसमें ये बता रहा है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स ऑफ 16 मिलियन

इनकम है अगर नेगेटिव आंसर आए तो एक्सपेंस है ठीक है सो ये हमने बैड डेट्स के साथ सलूक करना होता है सो so, अब हम इसका करेक्शन कैसे करेंगे इसका करेक्शन ऐसे होगा कि सबसे पहले तो बैड डेट्स रिकवरी जो है वो अकाउंटिंग में जो है वो आपने अकाउंटिंग बनाते हुए आपने क्या किया है कि 16 मिलियन आपने अदर इनकम में शामिल कर लिया तो ये 16 मिलियन तो भाई बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा एज इनकम ठीक है तो अकाउंटिंग बैड डेट्स बैड डेट्स का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो 16 मिलियन आप पहले यहाँ पे करें माइनस ये तो हम इनकम नहीं मानते टैक्स लॉ ये कहता है कि आप क्या करो कि जो सब्सिक्वेंट रिकवरी हुई है बैड डेट्स का जो टैक्स ट्रीटमेंट है टैक्स ट्रीटमेंट क्या है के सब्सिक्वेंट रिकवरी हुई है सिक्सटी मिलियन उसमें से माइनस कर जो प्रीवियसली नॉट अलाउड था एज़ एक्सपेंस प्रीवियसली नॉट अलाउड कितना है थर्टी मिलियन राइट ऑफ किया था जिसमें से दस मिलियन वाज अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज अगर दस मिलियन अलाउ हुआ था एज एक्सपेंस ठीक है जी वो आउट ऑफ विच ओनली दस मिलियन वाज अलाउड इसका मतलब ये कि कितना नॉट अलाउड था तीस में से अगर दस अलाउ हुआ था तो बीस उन्होंने डिसअलाउ कर दिया था तो वो जो डिस हुआ था वो आप यहाँ पे माइनस करोगे सो डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में बनेगा सो so 4 मिलियन एक नेगेटिव आंसर आएगा ये टैक्स ट्रीटमेंट बनता है जी इसका नेक्स्ट आइटम इज़ कैपिटल गेंस ऑफ रुपीज़ फोर्टी मिलियन ऑन सेल ऑफ फॉलोइंग सिक्योरिटीज़ सो सबसे पहले तो आप यहाँ से गर्दन पकड़ें कि कैपिटल गेंस हैं और अदर इनकम में शामिल हुआ हुआ है तो बिज़नेस इनकम तो नहीं होता ना कैपिटल गेन टैक्स लॉ इंग अदर में कैपिटल गेंस तो एक अलहदा हेड ऑफ इनकम है तो 40 मिलियन को कान से पकड़ के बाहर निकालें तो कैपिटल गेंस जो 40 मिलियन का है इसको तो यहाँ पे आप फ़ौरन से कर दो माइनस क्योंकि ये तो किसी तरह भी बिज़नेस इनकम नहीं है हम तो ये बिज़नेस इनकम की वर्किंग बना रहे हैं और हम एक अलहदा से वर्किंग बनाएंगे दैट विल बी आर वर्किंग थ्री एंड वी कॉल इट कैपिटल गेंस ठीक है जी अब जो कैपिटल गेंस की इन्फॉमेशन है वो देख लेते हैं क्या क्या सवाल में दी हुई है कैपिटल गेंस के बारे में इन्होंने बताया जी कि तीन तरह की सिक्योरिटीज़ हैं एक मुदारबा सर्टिफिकेट शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी और शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी ठीक है सो यहाँ पे अब आपको ज़रा टैक्स लॉ को रेफर करना होगा और आप ज़रा कैपिटल गेंस के टॉपिक में घुसें दोबारा और जाके देखेंगे टैक्स लॉ की नज़र में सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं टैक्स लॉ ने कहा है कि अगर वो शेयर है पब्लिक कंपनी का तो फिर वो सिक्योरिटी है और टैक्स लॉ ने कहा है कि अगर वो मुदारबा सर्टिफिकेट है तो भी वो सिक्योरिटी है ठीक है सिक्योरिटी की डेफिनेशन में शामिल है अब जो पब्लिक कंपनी है वो हमने कहाँ पढ़ा था वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे थे तो फिर हमने पब्लिक कंपनी पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी वो है कि जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हों यानी कि लिस्टेड कंपनी राइट वो पब्लिक कंपनी है तो नतीजा क्या निकला कि ये जो मुतारबा सर्टिफिकेट्स हैं टैक्स लॉ की नज़र में सिक्योरिटी है और जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं ये भी टैक्स लॉ की नज़र में सिक्योरिटी है तो इसका मतलब ये जो सिक्योरिटीज़ हैं इसके ऊपर जो कैपिटल गेन होगा उसको टैक्स लॉ क्या कहता है उसको टैक्स लॉ ये कहता है कि जो सिक्योरिटीज़ हैं उसका कैपिटल गेन विल बी ट्रीटेड एज़ अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और इसके लिए से टैक्स रेट्स भी बताए गए हैं ये टैक्स रेट्स आपको एग्ज़ाम में गिवन होते हैं डन हो गया जी तो आप हमें ट्रीटमेंट समझ आ गया हम कैपिटल गेंस का ट्रीटमेंट ये करेंगे कि हमारे पास मुदारबा सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं और हमारे पास लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं सो so हमारे पास जो गेन बनता है वो स्ट्रेट वे इन्होंने बताया हुआ सवाल में आठ बारह और बीस मिलियन का है सो एट मिलियन बारह मिलियन और बीस मिलियन डन यहीं पे डिसाइड कर लो कि इनकी रिजीम कौन सी होगी टैक्स रिजीम कौन सी होगी मदारबा सर्टिफिकेट्स विल गो टू तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम अनलिस्टेड के नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएंगे कैपिटल गेंस और लिस्टेड कंपनी अगेन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ हैं दोनों मदारबा सर्टिफिकेट्स और लिस्टेड कंपनी का शेयर ठीक है जी सर so, ये भी हमने क्लियर कर लिया अब हमने इसके ऊपर टैक्स वर्कआउट करना है वो हम जब टैक्स सेलिब्रेशन बनानी होगी तब हम इस पर आ जाएंगे अगली बात जो इन्होंने बताई है वो ये है कि लॉस भी है कोई नाइन मिलियन का इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंश्योरेंस क्लेम द क्लेम वॉज लॉज अगेंस्ट डैमेज ऑफ अ न्यू मशीनरी ड्यूरिंग द शिपमेंट दैट रेंडर्ड इट अनफिट फॉर यूज़ सो नौ मिलियन का एक लॉस uh, है इंश्योरेंस लॉस ऑफ नाइन मिलियन इंस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम अब आपको नौ मिलियन का एक लॉस हो गया है और uh, जो एक मशीनरी थी वो आप मंगा रहे थे और उस वो मशीनरी डैमेज हो गई अब ये जो न्यू मशीनरी है न्यू मशीनरी जो डैमेज हुई जिस पे आपको 9 मिलियन का लॉस हुआ है पहले ज़रा इस लॉस को प्रोब आउट करो कि मशीनरी का लॉस आपने एक मशीनरी मंगाई और वो लॉस हो गया ठीक है नौ मिलियन का आपको नुकसान हुआ और ये जो 9 मिलियन का नुकसान हुआ ये मशीन आपके लिए अनफिट थी फॉर यूज़ तो पहली चीज़ तो ये कि क्या ये लॉस मुझे बिज़नेस एक्सपेंस बनाना चाहिए वो तब बनाऊंगा मैं जब ये मेरा डेप्रिसबल एसेट होगा मशीन तो मेरे कारोबार में इस्तेमाल ही नहीं हुआ है ये तो आया ही ख़राब था जब पहुंचा हमारे पास तो ख़राब ही पहुंचा था तो हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में पढ़ा है कि कैपिटल एसेट क्या होते हैं जो इसमें से कुछ भी ना हो ठीक है जी तो so, उसमें डेप्रिसिबल एसेट को भी एक्सक्लूड किया हुआ है तो अगर तो ये डेप्रिसिबल एसेट होता तो मैं कहता कि ये कैपिटल एसेट नहीं है क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से निकल गया हुआ है लेकिन अब ये डेप्रिसिबल एसेट इस वजह से नहीं है क्योंकि बिजनेस इनकम में हमने पढ़ा था कि जो डेप्रिसिबल एसेट होता है वो होता है विच इज़ होली ऑफ पार्टली यूज बाय द पर्सन इन डराइविंग इनकम फ्राम बिजनेस जो बिज़नेस इनकम कमाने में इस्तेमाल होता तो चूँकि ये वाली शर्त तो ये पूरी नहीं कर रहा मशीनरी ये वाला तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा कि ये मेरा डेपसीबल एसेट नहीं है बल्कि ये कैपिटल एसेट है और ये नौ मिलियन का लॉस कैपिटल लॉस है कितनी ट्रिकी बात है तो कैपिटल लॉस है नौ मिलियन का अब अगर लॉस है तो क्या मैं उसको कैपिटल गेंस के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ ये मुझे लॉसेस के चैप्टर से पता चलेगा सो मैं लॉसेस के चैप्टर में घुस जाऊँगा और ये सेट ऑफ ऑफ लॉस की सिचुएशन बनती है करंट ईयर का लॉस है तो अगर मेरे पास कैपिटल गेंस में लॉस आ जाए तो मैं इसको कैपिटल गेंस के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ या नहीं तो इट शोज़ अ टेक मार्क जी हाँ मैं कर सकता हूँ ओके सो नौ मिलियन का लॉस है इसको मैं कैपिटल गेंस अगर मेरे पास कोई हैं तो मैं उसमें एडजस्ट कर सकता हूँ तो मेरे पास क्या कैपिटल गेंस हैं ये तो सेपरेट ब्लॉक है ये तो सेपरेट ब्लॉक तो है इनको तो छेड़ना नहीं भाई ये सिक्योरिटीज है सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है तो मेरे पास जो मशीन का लॉस है मशीन का लॉस वो मैं इस गेम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ राइट right? और क्या मैंने बिजनेस इनकम में इसको एक्सपेंस माना है मैं इसको बिज़नेस इनकम में बिल्कुल एक्सपेंस नहीं मानूंगा क्योंकि ये तो लॉस ही उधर का है तो इसलिए जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्लेम का लॉस है वो चूंकि आपने लॉस बनाया वो लॉस माइनस किया होगा प्रॉफिट में से तो हम इसको यहाँ पे नाइन मिलियन को वापस जमा कर देते हैं ठीक हो गया जी ओके नेक्स्ट इन्फॉमेसन इज़ टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन ऑल फिक्स एसेट्स अदर देन इंपोर्टेड सेकेंड हैंड अमाउंट टू रुपीज़ दो सौ मिलियन ज़बरदस्त टैक्स डेप्रिसिएशन का मसला ही हल कर दिया इन्होंने खुद ही कैलकुलेट कर दिया तो हमारे पास uh, कुछ टैक्स डेप्रिसिएशन है मैं अपने डेप्रसीशन वाले वर्किंग नोट में दे लेता हूँ कि मेरे पास टैक्स डेप्रीसीशन गिवन ठीक है सो so मुझे जो सवाल में एग्जामिनर ने बताई हुई है वो 200 चौदह मिलियन है ओके okay, और क्या है जी द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ लॉसेज ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर ईयर्स प्रीवियस ईयर्स पिछले सालों से कुछ लॉसेज आ रहे हैं <coughs> तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हुए जी पहली चीज तो ये क्लियर करें कि ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज के केस में टैक्स लॉ ने ये कहा है कि लॉसेज नॉट सेट ऑफ शेल बी कैरिड फॉरवर्ड अगेंस्ट सेम हेड ऑफ इनकम जब लॉस एक दफ़ा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो फिर वो सेम हेड ऑफ़ इनकम के अगेंस्ट ही एक्सपेंस बन सक मतलब माइनस हो सकता है तो अब मेरे पास लॉस है फ्रॉम बिजनेस रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2022 बिज़नेस इनकम का लॉस ओके स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस अनऑब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस भी है ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का लॉस भी है जी ज़बरदस्त टैक्स ईयर 2020 का और टैक्स ईयर 2021 का तो अब हम देखते हैं कि क्या किया जाए किया यह जाएगा जनाब के जो पहले ज़रा सिक्योरिटीज़ के लॉस को देख लेते हैं सो so, सिक्योरिटीज़ के लॉस के केस में टैक्स लॉ ने हमें ये बताया कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सिक्योरिटीज़ का लॉस लेकिन अप टू थ्री सब्सीक्वेंट टैक्स ईयर्स जिस साल में लॉस हुआ उसके अगले तीन साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो तो अब मैं अगर यहाँ पे सिक्योरिटीज़ का लॉस देखूँ तो वो है टैक्स ईयर 2020 का टैक्स ईयर 2020 का जो लॉस है सो मैं अगर लॉसेस के लिए एक यहाँ पे वर्किंग फोर बना दूँ एंड आई कॉल इट लॉसेस तो मैं अपनी एक वर्किंग तो बना के देखूँ ना कि सिक्योरिटीज़ का लॉस टैक्स ईयर 2020 का है ये मैं कितने साल तक इस्तेमाल कर सकता हूँ तीन साल तक इक्कीस बाईस और तेईस हम इस वक्त कैलकुलेशन बना रहे हैं ईयर दो की तो इसका मतलब अगले तीन साल तक ये यूज़ हो सकता था आपने नहीं किया तो फिर इसका मतलब अब यहाँ पे तो इस्तेमाल नहीं होगा टैक्स ईयर 2020 वाला लॉस अब आप यूज़ नहीं कर सकते दूसरा जो लॉस है इसका मतलब ये तो आठ मिलियन तो गया इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता अब 2021 2021 का जो लॉस है ये इसके तीन साल का पूरे होते हैं 2021 22 और 23 यस ये हो सकता है तो 2021 का लॉस कितना है जी सिक्स मिलियन का सो so, ये सिक्स मिलियन का लॉस हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और हम इसको सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट माइनस कर सकते हैं नौ सवाल ये है कि अब मैं किसके अगेंस्ट माइनस करूँ आठ मिलियन में से ये भी तो सिक्योरिटी है और ये भी सिक्योरिटी है ठीक है सो so, अगेन uh, इन्होंने कहा कि सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ राइट और लिस्ट uh, अगर हम यहाँ पे देखें कि मुदारबा सर्टिफिकेट्स 10 जुलाई 2023 को खरीदे गए और आपने यकम मार्च को सब के सब बेचे हैं तो ये सब के सब एक ही दिन बिके हैं ठीक है तो अगर तो इसमें कुछ डेट ऑफ सेल अलग अलग दी होती तो जो पहले गेन आया होता मैं उसमें से माइनस करता अब चूँकि सारे एक ही दिन बिके हैं ठीक है जी तो इसका मतलब ये है कि मुझे देखना होगा कि ये सिक्योरिटी कौन सी है सो तो ये बात हो रही है कि ये लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं तो ये लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में से हम माइनस कर लेते हैं ठीक है जी सो तो सिक्स मिलियन हम यहाँ पर माइनस कर देंगे सो सिक्स मिलियन का लॉस हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं ठीक है जी सो दिस इज़ द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ये हम माइनस करेंगे और अब हमारे पास जो कैपिटल गेंस की शक्ल बनी वो आठ मिलियन यहाँ पे है और बारह में से हम नौ निकाल देंगे तो इट विल बी थ्री मिलियन एंड बीस में से हम छः निकाल देंगे तो इट विल बी फोर्टीन मिलियन सो ये हमारे कैपिटल गेंस फाइनल हो गए ठीक है जी सो so, uh, अब जो हमारे पास जो बी पार्ट में रिक्वायरमेंट थी वो भी हम बता सकते हैं कि जी 2020 का जो लॉस है वो किसी काम का नहीं है 2021 वाला लॉस हमने इस्तेमाल कर दिया है अब ये जो बाकी के आइटम्स हैं ये सारे के सारे बिजनेस से रिलेट करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं और बिज़नेस के हैं एबजॉब टैक्स और टेपेशन अबलाबला सो अब हम जरा uh, एक दफ़ा यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं अपने पास कि दो का जो लॉस है क्या मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ अभी Uh, 2022 का जो लॉस है दैट इज़ फिफ्टी टू मिलियन और uh, जो एक दफ़ा हम अगर uh, इसको फाइंड आउट करना चाहें कि जो बिजनेस का लॉस है वो छः साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है ये बड़ा क्लियरली टैक्स लॉ में बताया हुआ है सिक्स सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ठीक है तो 2022 का लॉस है 2024 की हम कैलकुलेशन बना रहे हैं तो इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है बिल्कुल हम एडजस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल ठीक है सो 52 मिलियन तो हमें अवेलेबल होगा एडजस्टमेंट के लिए अब जो बगली बात है 2023 का लॉस जो कि 14 मिलियन है ये तो स्पेकूलेशन बिजनेस का लॉस है अब मेरे पास सवाल में कोई स्पेकूलेशन बिजनेस की इनकम तो है नहीं तो इसलिए ये 14 मिलियन का लॉस अब मैं इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा और ये क्लियरली हमें बताना होगा कि जनाब ये बी पार्ट का जो हम आंसर बनाएंगे तो हम बता देंगे कि जी ये जो लॉस है ये तो यूज़ नहीं हो सकता है ये बस कैरी फॉरवर्ड ही हो जाएगा मजीद तेईस से आगे चौबीस पच्चीस छब्बीस तेईस अठाईस उनतीस टैक्स उनतीस दो हज़ार उनतीस तक ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अनऑब्जॉर्व टैक्स डिप्रिसिएशन वन सिक्सटी एट मिलियन का है ये बिल्कुल हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कुछ लिमिट भी बताई हुई है टैक्स लॉ ने कि अनएबज़ॉर्व टैक्स डिप्रिसिएशन सारे का सारा आपने माइनस नहीं करना होता सो uh, so, uh, इसको भी हम देखेंगे uh, अपने बिजनेस के लॉस में एडजस्ट करते बगर सो so, uh, अब हम अपनी uh, जो बिजनेस uh, इनकम की जो वर्किंग है इसका एक यहाँ पे टोटल बना लेते हैं लॉसेस की और डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स बनाने से पहले हम इनका एक टोटल कर लेते हैं ये जो आइटम्स हमने लिखे थे सो so, इसका जब आप टोटल uh, बनाओगे तो द फिगर कम्स टू थ्री एट फोर पॉइंट एट ज़ीरो ठीक है दिस इज़ रुपीज़ इन मिलियन और uh, अब हमारे पास जो लॉसेज वगैरह की एडजस्टमेंट है उस उसके बारे में हम सोचेंगे तो हमारे पास सीक्वेंस ये होगा कि हमारे पास जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं उसको हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनके ऊपर छः साल तक की ही लिमिट होती है उससे आगे फिर आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो प्रायोरिटी इनको दी जाती है उसके बाद फिर आप जो अनऐब्ज़ॉर्ब डेप्रिसिएशन है और जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है उसको आप माइनस कर सकते हैं और इसमें भी लॉ साइलेंट है मतलब लॉ ये नहीं कहता कि आप पहले अनएबजॉर्ब डेप्रिसिएशन को करो या करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को पहले करो लेकिन बहरहाल एक सेंटेंस लिखा हुआ तो है कि डेप्रिसिएशन शुड बी किन्सिडर्ड लास्ट तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जो अनऐब्ज़ॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको पहले माइनस ना किया जाए बल्कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अनएब्ज़ॉर्ब डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाए ठीक है सो दिस इज दिस विल बी द सीक्वेंस विच वी विल बी फॉलोइंग ओके सो अब हम जरा अपना फिगर वर्क बना लेते हैं इसके ऊपर जो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है वो 52 मिलियन का है सो so, दो so 2022 का जो लॉस है इसको बिल्कुल हमने कहा था कि हम एडजस्ट करेंगे सो फर्स्ट आइटम ऑफ लॉसेस हम देखेंगे यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड दिस विल बी 52 मिलियन इसको आप सबसे पहले माइनस करोगे और इसको माइनस करने के बाद आपके पास जो फिगर बचेगी दैट विल बी थ्री मिलियन अब ये जो 332.8 मिलियन है इसमें फिर आगे अब आपने माइनस करना है जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ठीक है जी और करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है इसको ज़रा एक दफ़ा टोटल अगर आप बना लें कि कौन कौन सा आइटम आप लोगे आपने जो टैक्स ईयर 2024 का नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनाया था 3.9 मिलियन का एक तो ये फ़िगर लेंगे और एक टैक्स डेप्रिसिएशन आपको गिवन थी इन दोनों फिगर्स को आप कंबाइन कर लो जमा कर लो तो आपके पास जो अमाउंट आएगी दैट इज़ टू मिलियन ये इस साल की टोटल डेप्रिसिएशन बनती है सो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम वर्किंग टू तो हम यहाँ पे करंट ईयर का डेप्रिसशन uh, लिख लेते हैं जी करंट ईयर डेप्रिसिएशन एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम वर्किंग टू एंड द फिगर इज़ टू हंड्रेड एंड सेवनटीन पॉइंट नाइन मिलियन सो इसको आप माइनस कर दें तो हमारे पास जो अब बचा खुचा प्रॉफिट है वो वन हंड्रेड एंड फोटीन पॉइंट नाइन मिलियन बच गया अब बारी आती है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की सो अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इसके लिए आप जरा पहले एक थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखें कि इसमें टैक्स लॉ ने कहा है कि आप इसको बिजनेस इनकम के 50 परसेंट तक माइनस कर सकते हो ठीक है ये एक लिमिट लगी हुई है कि इनकम के 50 परसेंट तक आप डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं अगर टैक्सीबल इनकम दस मिलियन से कम हो तो फिर ये लिमिट अप्लाई नहीं होती तो क्या मेरे पास इस सवाल में टैक्सेबल इनकम जो अभी तक बन रही है दस मिलियन से ज़्यादा है आंसर यस एक सौ चौदह पॉइंट नाइन मिलियन है Very much higher than 10 million. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो फिफ्टी परसेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम वाली लिमिट है वो अप्लाई होगी राइट वो अप्लाई होगी और uh, ए, मैं पूरी अन माइनस नहीं करूंगा बल्कि फिफ्टी परसेंट लिमिट यहाँ पे मैं कर लेते हैं फिफ्टी परसेंट लिमिट्लाई ठीक है जी सो ये इससे आपने एग्जामिनर को बता दिया कि वी वर अवेयर ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ लॉ और हम 50 परसेंट ऑफ जो टैक्स बिजनेस इनकम है 50 परसेंट ऑफ बिजनेस इनकम वो हम जो है वर्कआउट करके देखते हैं वो कितना बनता है सो देट एक सौ मिलियन का जब आप फिफ्टी परसेंट बनाओगे तो इट वी फिफ्टी सेवन मिलियन सो फिफ्टी मिलियन इज़ द लिमिट जबकि मेरे पास जो अनऐब्ज़ॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो कितना दिया हुआ है सवाल में किसी को याद है अनएबजॉर्ब डेप्रिसिएशन देख लेते हैं 168 मिलियन है जी सो वन हंड्रेड मिलियन तो मेरे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है भाई मैं तो 50 परसेंट तक ही एडजस्ट कर सकूँगा तो इसका मतलब यह है कि जो माइनस कर सकूँगा वो 57.45 ही होगा 168 में से 57.45 हम माइनस कर लेंगे और ये हमारे पास अब हमारी टैक्सेबल बिजनेस इनकम बच जाएगी जो कि 57.45 ही बनेगी अगेन क्योंकि 50 परसेंट जो माइनस किया है और इन दो आइटम्स का जो डिफरेंस है यानी 168 में से 57.45 हो गया एडजस्ट तो बाकी क्या है अनएब्जॉर्ब डेपेशन जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और इसका डिफरेंस कितना बनता है इन दोनों फिगर्स का डिफरेंस 110.55 मिलियन बनता है ये आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे या अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड होना होता है ठीक है और अगेन हर साल में हम वो लिमिट चेक करते हैं अगर बिजनेस इनकम बढ़ जाए टेन मिलियन से ज्यादा चलो जी अब मेन वर्किंग पे आते हैं हेड्स ऑफ इनकम हमारे पास रिजीम्स अब हमें पता है एक नॉर्मल टैक्स रिजीम है और एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है सिक्योरिटीज़ वाला uh, जो हेड्स ऑफ इनकम हमारे पास हैं वो सिर्फ दो ही हैं इस सवाल में एक हमारे पास बिज़नेस इनकम है और दूसरा कैपिटल गन्स है सो so, uh, जो वर्किंग्स हैं उसको उसमें जो हमने फिगर्स अभी फाइनल किए थे वो हम यहाँ पे ले आते हैं बिज़नेस uh, की जो फिगर थी दैट इज़ 57.45 मिलियन दैट इज़ कमिंग फ्रॉम वर्किंग वन और कैपिटल uh, गेंस को एक दफ़ा अगर कंक्लूड कर लें आप तो एक हमारे पास सिक्योरिटीज़ का गेंद है आठ मिलियन का और दूसरा सिक्योरिटी है चौदह मिलियन का ये दोनों सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में आते हैं तो इसका मतलब जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में अमाउंट जाएगी चौदह प्लस आठ दिस विल बी बाईस मिलियन ठीक है सो ट्वेंटी टू मिलियन विल बी गोइंग टू सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और जो थ्री मिलियन है अनलिस्टेड वाला ये नॉर्मल टैक्सी का है तो कैपिटल गेंस जो हैं वो हमारे पास सब दो तरह के हैं हम नॉर्मल टैक्स जीम में मेंशन करेंगे थ्री मिलियन और जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है इसमें हम मेंशन करेंगे बाईस मिलियन लेकिन याद रखें कि इनमें होल्डिंग पीरियड डिफरेंट है सिक्योरिटीज़ का इसलिए टैक्स बनाते हुए आपको ज़रा ध्यान रखना होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ सो मेरे पास जो टोटल इनकम बन गई Uh, वो कितनी बन जाएगी टोटल इनकम अब मैं इन सारी टोटल इनकम में याद रखें सब कुछ शामिल होता है नॉर्मल टैक्स रिजीम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एग्जेंट इनकम सब कुछ हम शामिल करते हैं तो बाईस मिलियन का सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है और फिफ्टी सेवन और थ्री को आप जमा कर लें तो इट विल बी सिक्सटी पॉइंट फोर फाइव मिलियन सो इन दोनों फिगर्स को अगर आप जमा करें तो इट विल बी एट्टी टू पॉइंट फोर फाइव मिलियन ये आपका टोटल इनकम बना जो टैक्सेबल इनकम होता है वो सिर्फ तो कौन सा होता है नॉर्मल टैक्स टैक्सीजिंग वाला यस वेरी राइट सेपरेट ब्लॉक को इसमें शामिल नहीं किया जाता तो अब यही एन टी आर वाला कॉलम कंटिन्यू करेगा डिडक्टेबल अलाउंस भी इधर से ही माइनस होंगे जो कि नहीं है सवाल में तो इसलिए मेरे पास जो टैक्सेबल इनकम बनेगा दैट विल बी अगेन द सेम फिगर सिक्सटी पॉइंट फोर फाइव मिलियन ठीक है जी ये नॉन सेलरिड पर्सन है और इसके ऊपर सेवन स्लैब आप अप्लाई करेंगे सो so जो टैक्स इम्पोज बनेगा वो सेवन स्लैब से कैलकुलेट किया जाएगा सिक्सटी पॉइंट फोर फाइव के ऊपर आपने सेवन स्लैब अप्लाई करना है तो वट यू विल गेट इज टू ज़ीरो पॉइंट फाइव टू सो इसको ज़ाहिर आप मिलियन से मल्टीप्लाई करके फिर सेवन स्लैब से वो कैलकुलेट करके दोबारा मिलियन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ट्वेंटी पॉइंट फाइव टू ले आएंगे बाईस मिलियन के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो कैसे वर्कआउट होगा बाईस मिलियन ज़रा हमें एक दफ़ा जाना पड़ेगा कैपिटल गेंस की वर्किंग पे और होल्डिंग पीरियड देखना होगा हमें सो so, जो एट मिलियन है इसका होल्डिंग पीरियड डिफरेंट है और जो फोर्टीन मिलियन है एट मिलियन का जो होल्डिंग पीरियड है उसके ऊपर रेट पंद्रह परसेंट बनता है और जो चौदह मिलियन है उसके होल्डिंग पीरियड पर रेट ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट बनता है ठीक है जी तो so, आपको ये टैक्स वर्कआउट करने में अब आसानी होगी कि आप सिंपली क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई करें आप एट मिलियन को मल्टीप्लाई करोगे पंद्रह परसेंट से तो जो आंसर बनेगा दैट इज़ वन पॉइंट टू मिलियन ठीक है जी और इसी तरह आप फोटीन मिलियन को जब मल्टीप्लाई करोगे ऑल दो ये ट्वेंटी मिलियन के हिसाब से ट्वेंटी मिलियन की सिक्योरिटी के लिए जो होल्डिंग पीरियड बनता है उसके लिए जो रेट है वो साढ़े बारह परसेंट बना है तो ये साढ़े बारह परसेंट का रेट आपको गिवन होगा एग्जाम में इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे वन पॉइंट सेवन फाइव आ जाएगा वन पॉइंट सेवन फाइव वन पॉइंट टू को आप प्लस कर लोगे तो इट विल बी तो टू पॉइंट टू तो पॉइंट नाइन फाइव मिलियन ठीक है सो टू पॉइंट नाइन फाइव मिलियन इज़ माय टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम सो 2.95 मिलियन लिख लेते हैं यहाँ पे अब हमारे पास सवाल में कोई टैक्स क्रेडिट्स नहीं है कोई विद होल्डिंग टैसेज नहीं हैं तो हमारी जो टैक्स डिमांड है वो क्या बन जाएगी वो इन दोनों को जमा करके ठीक है जी मजीद तो इसमें कुछ भी नहीं है सो so, इसमें अब अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको आंसर करेंगे थैंक यू वेरी मच टेक केयर